हेलो ऑल, वेलकम टू अलीशा एकेडमी. दिस इज योर एजुकेटर श्रेया झा. और हमारी सीरीज कंटिन्यू है जिसमें हम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. यह पार्ट नंबर 8 है. तो इसको करने के बाद आपके 160 एमसीक्यूज जो है हायर एजुकेशन के कवर होते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सिलेबस की यदि हम बात करें तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज पे चर्चा करने वाले हैं. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following forest landscape restoration activities is the most efficient in removing carbon from the atmosphere? तो forest को restore करने के लिए कौन सा activity है जो सबसे ज़्यादा efficient कह सकते हैं, जिसको जो सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई है कह सकते हैं? Agroforestry, mangrove restoration, mangrove एक तरह की जो है trees है, mangrove plants है, planted forest and woodlands, या फिर नेचुरल रीजनरेशन. तो इसका जो आंसर है वह है प्लांटेड फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स. तो हमें जंगलों को जो है प्लांट करना है, बेसिकली जंगल बनाना है, वुडलैंड्स बनाने हैं. तो यह सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई है कार्बन को रिमूव करने से वातावरण के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप्स इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा फॉरेस्ट टाइप है जो इंडिया में सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसुडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट या फिर स्क्रब फॉरेस्ट. तो राइट आंसर इज ट्रॉपिकल डेसुडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसुडियस फॉरेस्ट जो है इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा फैला हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड हैज लेड टू? तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट में जो कमी आई है, फॉरेस्ट उससे जो इम्पैक्ट है वह क्या हुए हैं? सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज फाउंड इन? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है कहाँ पर पाया जाता है? थार डेजर्ट में, कोस्टल रीजन यानी कि तटीय क्षेत्रों में, टेम्परेट फॉरेस्ट इन हिमालय, तो हिमालय के जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वहां पर, या फिर तराई जोन्स, हिमालय के जो है तराई जोन में यानी कि हिमालय के जो निचला भाग है. तो इसका आंसर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है थार डेजर्ट ऑफ इंडिया. आई थिंक ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. और ऐसे क्वेश्चंस आपको इनडेंजर्ड स्पेसिस की बात करें या फिर पर्टिकुलर फॉरेस्ट की बात करें, पर्टिकुलर स्पेसिस की बात करें, तो ऐसे क्वेश्चंस काफी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द आर्कटिक आइस वॉज समहाउ रिप्लेस्ड बाय द डेंस फॉरेस्ट, तो ऐसे एक काल्पनिक क्वेश्चन है. मान लीजिए कि पोल पे जो है आइस को रिप्लेस कर दिया जाए घने जंगलों से, तो क्या हो जाएगा? इट विल एक्सेलरेट द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग जो है घट जाएगी. इट मे नॉट इफेक्ट द ग्लोबल वार्मिंग, यह ग्लोबल वार्मिंग पे जो है कोई भी असर ना डालेगा, या फिर ये सारे संभव है. तो सारे संभव बिल्कुल भी हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्रोडिक्टरी, विरोधाभास बातें कर रही है. तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है कि आप अगर नहीं भी श्योर है तो एलिमिनेशन लगा करके ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं. फिलहाल इसका जो आंसर है वह है इट विल एक्सेलरेट द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को जो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आर्कटिक आइस को हटा करके डेंस फॉरेस्ट में रिप्लेस कर दिया जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड वे ऑफ डीलिंग विद द सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम, सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम यानी कि वेस्ट मटेरियल जो सॉलिड फॉर्म में है उनसे कैसे आप निजात पा सकते हैं? लैंडफिलिंग, रिसाइकलिंग, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर इज रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग करके जो है आप सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेजिटेशन इन सेल्वा फॉरेस्ट? तो आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि सेल्वा फॉरेस्ट कहाँ पर है. और अगर आपको ये पता चल जाएगा तभी आपको ये चीजें याद रह जाएगी कि सिल्वा फॉरेस्ट में कौन कौन सी वेजिटेशन है जो पाई जाती है. और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं जो आउट ऑफ द वे हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे. जैसे कि हमने बोला वेजिटेशन से आपको क्वेश्चन आ सकता है, फॉरेस्ट से आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस से आ सकता है, जैसे इस प्रजाति इत्यादि के जो क्वेश्चन आते हैं. तो ज़ेरोफाइट्स जो है नहीं पाए जाते हैं सिल्वा फॉरेस्ट में, यानी कि एपीफाइट्स, लियाना और हाइड्रोफाइट्स जो है पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ पार्ट ऑफ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन
Indian government, through the addition of forest tree cover, has resolved to create additional carbon sink. Carbon sink क्या होता है? बहुत ही important concept है, नहीं पता है तो please इस पे जाकर के जो है आप understanding ले लीजिए. So carbon dioxide, carbon sink को जो है create करने की बात की गई है 2030 तक के. कितने billion tons? 3.5 to 4 billion tons, 2.5 to 3 billion tons, 1.5 to 2 billion tons या फिर 1 to 1.5 बिलियन टन. तो इसका आंसर है 2.5 से बढ़ा करके कार्बन सिंक को 3 बिलियन टन्स की जो है बात की गई है 2030 तक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न इन द रिमूवल ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तो ग्लोबल कंसर्न का कौन सा इनमें से जो है मैटर नहीं है, नहीं है इस पे बात की गई है. दियर एबिलिटी टू अब्सॉर्ब केमिकल्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, their role in maintaining the ozone layer, in the oxygen and carbon balance of the earth, their ability to regulate the surface air temperature, moisture content and reflectivity, their contribution to the biological diversity of the planet. So iska answer hai their ability to observe chemicals that contribute to the depletion of the ozone layer. Next question. तो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ बातें की गई है, देख लेते हैं. रेन फॉरेस्ट हेल्प टू स्टेबलाइज द वर्ल्ड क्लाइमेट. रेन फॉरेस्ट जो है वर्ल्ड क्लाइमेट को जो है स्टेबलाइज करने में मदद करती है. प्रोवाइड अ होम टू मेनी प्लांट्स एंड एनिमल. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे रेन फॉरेस्ट में. वाटर साइकिल को मेंटेन करती है. प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फ्लड ड्रॉट, क्योंकि रेन फॉरेस्ट जो है काफी घने फॉरेस्ट होते हैं. इरोजन्स आर ए सोर्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं. फूड प्रदान करते हैं ट्राइबल पीपल को और वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस है टू विजिट. सो एक्सटेंशन ऑफ रेन फॉरेस्ट, मान लीजिए कि रेन फॉरेस्ट जो घटते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, उनसे जो है ग्लोबल क्लाइमेट जो है एबनॉर्मली बढ़ जा रहा है. इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, सॉइल इरोशन होगा ज्यादा ज्यादा, डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुभूमि का जो है विस्तार होता जा रहा है, सी लेवल में आपको राइज देखने को मिलेगा. तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर रेन फॉरेस्ट में कमी आ रही है, इसकी वजह से हो ही रहे हैं इनफैक्ट. तो द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मैन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन इज. सो इस प्रॉब्लम से आप कैसे निजात पा सकते हैं, तो नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व करें, संरक्षण दे, यही अप्रोच है. इसको बस आपको याद रखना है टर्म. नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, बिल्कुल भी नहीं. कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट या फिर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट. तो इसका आंसर है डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग types of natural reserves have a highest impact or potential to cause damage. So इनमें से कौन सा ऐसा natural hazard है जो सबसे ज्यादा क्षति जो है mankind को पहुंचाता है? Forest में आग लग जाना या फिर earthquake, volcanic eruption या फिर drought and flood. So आजकल आपको ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी. काफी टाइम से, इनफैक्ट रिसेंट 2-3 साल से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ड्रॉट एंड फ्लड्स के. अनहर्ड जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रॉट्स एंड फ्लड्स नहीं आते थे, वहां भी यह दोनों नेचुरल कैलमिटी आपको देखने को मिलेंगे और उससे काफी ज्यादा क्षति होती है. नेक्स्ट द मेजर ऑफ ह्यूमैनिटीज डिमांड ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट डिवाइस्ड इन 1990. सो ह्यूमैनिटीज डिमांड ऑन द नेचुरल इन्वायरमेंट, इसको तो आगे समझते हैं. नाम याद रख लीजिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट डिवाइस किया गया था 1990 में. और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है किसके द्वारा डिवाइस किया गया था? वैकर्ड नैंगल एंड रीस. तो ये दो नाम है, आपको दोनों नाम को एक बार ध्यान में रखना है. एक बार समझ लेते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट क्या है. तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ ह्यूमंस इंपैक्ट ऑन द अर्थ इकोसिस्टम एंड रिवील्स द डिपेंडेंस ऑन द ऑफ द ह्यूमन इकोनॉमी ऑन द नेचुरल कैपिटल. सिंपल भाषा में यदि हम समझे तो कह सकते हैं कि कितना ज्यादा, जैसे एक ह्यूमन की बात करें तो हम कितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं. तो एक ह्यूमन बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करता है, जैसे कि हवा यूज करता है, जमीन यूज करता है, बहुत सारी और भी रिसोर्सेज जो है कंज्यूम करता है, फूड यूज करता है,
तो हाउ मच वी यूज एंड कंज्यूम, कितना ज्यादा हम यूज करते हैं कंज्यूम करते हैं इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट्स कैपेसिटी टू प्रोवाइड. मान लीजिए इन्वायरमेंट जैसे कि पेड़ हो गए हमें फल दे रहे हैं, तो जितना फल दें जितना हमें कैपेसिटी है, हमारी जितनी कैपेसिटी है और जितना ज्यादा हमें नेचर से मिल रहा है, इन दोनों के का जो रिलेशनशिप है यही कैलकुलेट करता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है. सो इट कैलकुलेट्स आवर इम्पैक्ट टू इन्वायरमेंट. सो एक जने का, एक इंडिविजुअल का कितना ज्यादा इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, यह कैलकुलेट करता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कार्बन फुटप्रिंट. तो यहाँ पे हमने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात की थी, तो अब अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको एटलीस्ट कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो इनमें से सबसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है विथ रिगार्ड्स टू कार्बन फुटप्रिंट. इट इज अ मेजर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय प्रोडक्ट. इट इज अ यूनिट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल रिप्रेजेंटिंग अ रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस अंडर द जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म. इट इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच यूज टू कंट्रोल द पॉल्यूशन बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर द अचीविंग रिडक्शंस इन द एमिशन ऑफ पॉल्यूशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है ग्रीन हाउस, सॉरी कार्बन फुटप्रिंट जो है एक ऐसा मेजर है जो ग्रीन हाउस गैस को जो है एमिशंस को मेजर करता है एक प्रोडक्ट द्वारा. तो ग्रीन हाउस गैसेस से आपको पता है कार्बन जो है निकलता है. द स्लोगन अ ट्री फॉर ईच चाइल्ड वॉज कॉइंड बाय, तो कौन से प्रोग्राम में यह स्लोगन यूज हुआ था? सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, क्लीन एयर प्रोग्राम, सोशल सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम. सो द राइट आंसर इज सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम लॉस ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया इज कॉज्ड बाय, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लैंड की क्षति किस चीज से हुई है इंडिया में? रिवर वैली प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रीज उद्योग, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यातायात के साधनों द्वारा, या फिर एग्रीकल्चर कृषि द्वारा. सो राइट आंसर इज रिवर वैली प्रोजेक्ट. सो रिवर वैली प्रोजेक्ट के द्वारा जो है काफी सारा फॉरेस्ट लैंड में गिरावट आपको देखने को मिला. नेक्स्ट बात करते हैं कुछ जो है अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं. विच मिनिस्ट्री हैज टेकन नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया. सो नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया किस मिनिस्ट्री द्वारा जो है अंडरटेकन किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ अफेयर्स, या फिर नन ऑफ दीज. सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा टेकअप किया गया है ग्रीन इंडिया मिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट टू बी प्रोमल्गेटेड इन इंडिया वॉज, पहला एक्ट कौन सा था? वॉटर एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंटल एक्ट, या फिर नॉइज पॉल्यूशन रूल. सो वॉटर एक्ट जो है सबसे पुराना एक्ट था. अब वाटर एक्ट किस साल में जो है इम्प्लीमेंट हुआ था ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है. देखिए जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज्यादा जो है इस नॉलेज को है आप रिटेन कर पाएंगे. तो ज्यादा से ज्यादा आप आजकल देखने को मिलता है कि बहुत सारा कमेंट जो है सुना रह जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अगर ये टू वे इंटरेक्शन नहीं हो. जितना ज्यादा आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उतना ही ज्यादा हम भी जो है मोटिवेटेड होंगे ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आपके लिए और भी लेकर आने के लिए और भी सारे यूनिट्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड पांडा हैज बीन क्लासिफाइड एज वल्नरेबल. वल्नरेबल यानी कि रेड पांडा की जो नंबर्स में है काफी गिरावट देखने को मिली है IUCN द्वारा. सो इट इज एंडेमिक टू, कहां पर है रेड पांडा, कहां पर जो है उनको खतरे में है? ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न हिमालयस, निकोबार आइलैंड्स, या फिर नीलगिरी हिल्स. सो राइट आंसर इज ईस्टर्न हिमालयस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च फास्ट टैग्स. सो आपको पता होना चाहिए फास्ट टैग क्या होता है, आगे समझेंगे आगे आने वाले स्लाइड में. सो इसका जो आंसर है वह है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन. मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन ने जो है फास्ट टैग जो है इंप्लीमेंट करने की बात की गई है. तो समझ लेते हैं फास्ट टैग क्या होता है. देखिए फास्ट टैग एक जब आप टोल पे जाते हैं, आप टोल प्लाजा पे जाते हैं तो आपको स्टॉप होना पड़ता है टोल देने के लिए. तो फास्टैग एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन डिवाइस है जो इंस्टॉल कर दिया जाएगा आपके व्हीकल में, मोस्टली विंडस्क्रीन में, जिससे आपको स्टॉप नहीं होना पड़ेगा. तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन द्वारा, इस टेक्नोलॉजी द्वारा जो है डायरेक्ट टोल पेमेंट जो हो जाएगा
वाइल द व्हीकल इज मूविंग, सो यू डोंट हैव टू स्टॉप. तो आपका जो टोल फेयर होगा वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम द प्रीपेड ऑफ द सेविंग बैंक अकाउंट. सो प्रीपेड सेविंग बैंक अकाउंट से जो है ये डायरेक्टली आपके अकाउंट से कट कर चला जाएगा टोल, आपको रुकने की जरूरत नहीं होगी. यह कॉन्सेप्ट है फास्टैग का. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मॉर्थ हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर ऑल लेन्स इन द टोल फ्री फी प्लाजाज ऑन नेशनल हाईवेज अक्रॉस द कंट्रीज एज फास्टैग. सारे लेन्स को टोल फ्री प्लाजा जहां पर भी है, सो यहाँ पर 1 दिसंबर 2019 तक जो है फास्टैग के अंतर्गत लाने की बात की गई है. नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑन May 29, 2019 हैज लॉन्च. तो ये प्रोग्राम है हवा आने दे. हवा आने दे कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था हवा आने दे ऑन May 29, 2019. तो फिलहाल जो है इस वीडियो में केवल इतना ही. अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज आपको हर डेली जो है 20 MCQs मिलने वाली है. पेपर 1 एंड पेपर 2 की दोनों की सीरीज चल रही है, साथ ही साथ कई सारे और भी कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.